नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नगरोटा में बिजली गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के लिए दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 14 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई, साथ ही संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। आयुष विभाग में भर्ती होंगे 205 डॉक्टर, प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयुष विभाग में 205 डॉक्टर्स की भर्ती होगी। इनमें 105 पद कमीशन और 100 पद बैचवाइज भरे जाएंगे। सरकार ने बैचवाइज पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन दिनों दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द मेडिकल अफसरों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। प्रदेश में अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट के हवाले हैं। ये पद भरने से डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। छोटे वाहनों के लिए इस दिन से खुल सकता है पंजाब को हिमाचल से जोड़ने वाला चक्की पुल। हिमाचल पंजाब राज्य को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले चक्की पुल पर सोमवार से छोटे वाहनों के लिए ट्रैफिक खोला जा सकता है। एनएचएआई और सेना की टीम पुल की सुरक्षा में दिन रात जुटी है। एनएचएआई ने बाकायदा इस बारे में विशेषज्ञों की राय ली है। बरसात न हुई और सब कुछ सामान्य रहा तो सोमवार तक पुल यातायात के लिए खुल सकता है। चक्की सड़क पुल के बचाव को लेकर एनएचएआई द्वारा चलाया गया अभियान 17 दिन से जारी है। इस दौरान एनएचएआई भारी मशीनरी के साथ प्रभावित पिलर P1 व P2 को सुरक्षित करने में जुटी हुई है। पालमपुर के प्रेमी जोड़े ने कांगड़ा में निकला जहर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर तहसील के एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पालमपुर तहसील के 25 वर्षीय युवक और 22 वर्षीय युवती ने कांगड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत तहसू गांव के निकटवर्ती क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाया और जहर खाकर इसकी सूचना परिजनों को दे दी। देश में 3 गुना बड़ा मशरूम उत्पादन और कारोबार, राष्ट्रीय मेले में हुआ खुलासा। देश में पिछले 3 वर्षों में मशरूम उत्पादन और कारोबार 3 गुना बढ़ा है। 2018 में 1.29 जबकि 2.86 लाख अब मीट्रिक टन विभिन्न किस्मों की मशरूम तैयार की जा रही है। इसका खुलासा कुंभ अनुसंधान निषेधालय चंबा घाट में 26वें राष्ट्रीय मशरूम मेले के दौरान हुआ। कोविड के बीच 2 वर्ष मेले का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। ये मेला सोलन शहर को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया घोषित करने के उपलक्ष्य पर हर वर्ष मनाया जाता है। जयराम ठाकुर बोले, अपने कारनामों से कांग्रेस का नहीं कोई भविष्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने कारनामों से कांग्रेस का भविष्य तक नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा विकास कार्यों का विरोध किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बल्क ड्रग पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी को कागज का टुकड़ा बताने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये सोच का अंतर है। अली रत्नी टिब्बा से लापता, ट्रैकर्स का चौथे दिन भी नहीं लगा सुराग। ट्रैकिंग व क्लाइंबिंग के दौरान अली रत्नी टिब्बा से लापता पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैकर्स का चौथे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया। उनकी तलाश के लिए 3 टीम्स गई हैं। रविवार को एसडीआरएफ की टीम भी तलाश के लिए रवाना होगी। 3 टीम्स के 22 सदस्य चारों ट्रैकर्स को तलाश रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान की 15 सदस्यीय टीम शनिवार सुबह 4 बजे मलाणा से अली रत्नी टिब्बा के लिए निकली है। पैट के लिए 13 सितंबर से शुरू होगी स्पॉट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के सभी राजकीय और निजी बहुतकनीकी संस्थानों में चल रहे प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स पैच में खाली सीट्स के लिए अब स्पॉट काउंसलिंग होगी। इसका आयोजन 13 सितंबर से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में किया जाएगा। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की अपील, आगे बढ़ने के लिए विभाजित नहीं एकजुट हो देश के लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम आजादी के 75 साल यानी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और लोगों के सहयोग से नए युग का भारत बनेगा। आगे बढ़ने के लिए भारत को विभाजित नहीं बल्कि एकजुट होना चाहिए। पीएम मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर अपना पुराना गौरव और उच्च स्थान हासिल किया। नौकरी चाहिए तो आईटीआई रेल आए, निजी कंपनी भरेगी पद। हिमाचल प्रदेश के आईटीआई रेल में 12 सितंबर को आईटीआई पास युवकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पंजाब की निजी कंपनी में नौकरी के इच्छुक युवा इसमें भाग ले सकते हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य कपिल ठाकुर ने बताया कि आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स,
मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के अलावा वायरमैन के 2017 से 22 तक के पास अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं। 15 सितंबर के बाद खतरे से खाली नहीं पहाड़ों की सैर, हिमाचल आपदा प्रबंधन ने और कड़े किए नियम। हिमाचल प्रदेश में सरकार व प्रशासन ने ट्रैकिंग के नियम और भी कड़े कर दिए हैं। प्रदेश में आए दिन पर्यटकों व ट्रैकर्स के लापता होने व मौत होने के मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन ने ट्रैकिंग के नियमों में सख्ती कर दी है। एचपीयू ने बीटेक कोर्स के ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट की जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईटी में बीटेक के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग की आरक्षित श्रेणी की खाली सीट्स को भरने के लिए आयोजित तो ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट जारी कर दी गई। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सूची में शामिल छात्रों को 12 सितंबर तक निर्धारित 73,200 रुपए की ऑनलाइन फीस जमा करवाने की समय सीमा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, मृतक को दे दी पदोन्नति, रिकांगपिओ में तैनाती के आदेश। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। विभाग ने एक मृत व्यक्ति को पदोन्नति देकर स्वास्थ्य शिक्षक से जिला शिक्षा एवं सूचना संप्रेषण अधिकारी के पद पर तैनाती देकर रिकांगपिओ अस्पताल में तैनाती के आदेश जारी कर दिए। इसी साल 24 जून को उनका निधन हो चुका है। दर्दनाक हादसा, समलोटी में आसमानी बिजली गिरने से महिला की मौत। नगरोटा बगवा पुलिस थाने के तहत गांव समलोटी में शनिवार सुबह आसमानी बिजली गिरने से 32 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सीमा रानी पत्नी राजेंद्र कुमार परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेतों से पशु चारा लेने गई थी। इस दौरान अचानक मौसम खराब होने से बारिश शुरू हुई, जिसके चलते सभी लोग घर की ओर भागने लगे। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से सीमा देवी उसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अलकाबोली मंडी रैली में पीएम मोदी को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर लौटाएंगी महिलाएं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लामा ने कहा कि भाजपा ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर तो दिए, लेकिन इन्हें महंगा कर आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली के दौरान अपने गैस सिलेंडर वापस करेंगी। राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधक के 61 पद। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों के 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 10 से 30 सितंबर तक बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से 2 चरणों में ली जाएगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।